आई टीम बनाया जाए, इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराया जाए, बिल्कुल इम्पार्शल कराया जाए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये नहीं है कि वो एक एफ आई आर कर दिया अपने वो चैनलों के जरिए से जो गरीबों को यरगमाल किया है, वो कहेगा यही है। ये हमारे सबूत मौजूद है, हमारे पास दूसरे दोस्तों के भी सबूत हैं, उनके फोटो कैमरा सीसीटीवी है यहाँ सेक्रेटरीट के, उस दिन वो सेक्रेटरीट में थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ था। कुछ दोस्त सिब्बी में थे, सिब्बी के कर्नल के साथ बैठे थे, उनके भी वो एफ आई आर किया गया है। आखिर ऐसे तो नहीं होता कि वो जो उसके जी में चाहे वो ही करे। आपने कहा था कि आपने खुद कहा था कि मालूम नहीं कि उसके क्या मकसद थे, जब मालूम नहीं है तो क्यों आपको टारगेट बना रहे हैं? ये सही, अभी टारगेट आपको भी समझ आ रहा है, मुझे भी समझ आ रहा है। अभी जो अपने उसने माशाल्लाह कारकर्दगी की है, वो बहुत उसकी बहुत आला कारकर्दगी है, इसी वजह से उसकी सूबाई सदारत भी चली गई, उसके दूसरे वो भी चले गए, वजारत की अभी भीख मांग रहा है वो भी चली गई। हाँ, मेरे वोटर्स हैं, रहे हैं, और मेरे बच्चे उनमें से, मैं आपको हकीकत बताऊं, तीन चार आदमी को उन्होंने आयर किया है, पैसे दिए हैं, उनके जरिए शरारत के इसके आदमी होते कि आप लोग लड़ाई करें, लड़ाई पर, और पीछे से उनको मार दिया गया। मैं हाई कोर्ट आला कोर्ट की जमानत पर हूँ, अदलिया के, और ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, मैं जमानत पर हूँ, कोर्ट के बोलते हैं इसको गिरफ्तार कर, जबरदस्ती गिरफ्तार कर, कल एक बार दो तीन दफ़ा इसकी जमानत की क्या जरूरत है, इसको आपने सुना देखा ना, कोर्ट इसको कैंसिल, कोर्ट को इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देना, ये कहाँ का इंसाफ है? भाई जमीन ये दिलाए, ये जमीन हमारे कतूनी वाली हैं। अभी मैं आपको एक एक कापी देता हूँ, इनके जो आप लोगों का तहसील है उसके जब्त हैं, आप देखें किसके हैं। ये तो यारमामद का शेवा है, 1400 एकड़ निगरानी में इसने कब्जा किया काजियों के, अभी आपको मैं डिटेल दूंगा। शोरान में इसने सरदार ताज मोहम्मद के सारे ज़मीनों पर कब्जा किया है, इसने सैयद के ज़मीनों पर डाडर में कब्जा किया हुआ है, इसने अभी डाडर में बिरादरी के जो गए थे गाड़ी अरुण शाह, उसकी ज़मीनों पर क्या वो बम ब्लास्ट हुए तो रॉकेट बरसाए, उसमें कितने बच्चे मारे इसने शहीद हुए जो माइंस रखे थे, ये तो सेवा इसी का है। आज तक कोई बताया कि हमने वो किए, इसकी तो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं इसके, ये तो ऐसे झूठ पे झूठ बोलता है, इसको समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा मीर साहब, हुकूमत की जानिब से आपसे कोई राबता किया गया इसी मामले से अब तक या नहीं? अभी तो मैं सीएम साहब आ जाए उसको कहूँगा जो ये एफ आई आर इसने कटाया है, इनकी इम्पार्शल जीआईटी इंक्वायरी बनाया जाए, इसमें आईएसआई हो, एमआई हो, इसमें आईबी हो, ये सारी इसकी तहकीकात करें, ये उस तह तक पूछे कि इस एफआईआर को किसने कराया है। ये रात के 3:30 बजे एसी डीसी और तहसीलदार ने इसके घर में एफआईआर किया, हमें भी इतना मालूम है, ये तो झूठ का पलंदा है। आपने माशाल्लाह खुद ही देखा होगा, अभी कुदू साहब के खिलाफ वो कर रहे हैं कि 3.5 अरब रुपए दिए हैं, इस्लामाबाद में दिए हैं, भाई आए बताएं इस्लामाबाद में किसको दिए हैं, अब बताएं तो सही, हम भी जाने, बता सकते हैं वो बताएं, ये तो सिर्फ बात करने की है ना, मैं वो अल्फाज अभी नहीं बताऊंगा कि आप मौजूदा सारे बैठे हैं, इसके साथ मेरे साथ और भी अल्फाज है बताने को, ठीक है ना। ये बेचारे रो रहे थे कि आज तक हमने आपको सदा साहब वोट ही नहीं दिया है, भाई आप ये बात करें, आप क्या अपना मफाद हासिल करना चाहते हैं,
आपकी माशाल्लाह आपने इतने काम किए हैं कि आपको अभी ज़रूरत ही नहीं है, जो आपने बीज बोए हैं उसी को आप अभी फसल को काटेंगे। आपकी कारकर्दगी 0/0 है, आपसे लोग नफरत करते हैं। अभी जो आपने बोला में बन किया, आपने 2000 रुपये पर हायर के लोगों को लाए, नसीराबाद से लाए, जैकमाबाद से लाए, 204 कोचों का मुझे पता है उनके गाड़ियों के नंबर है, आपने हायर किया है। इधर भी आपने कुछ लोगों को, वो कल मुझे एक बार अखबार राज ने मजदूर के दीवार बनाए थे उनको लाए चप्पलों के साथ, तो एक ने पूछा आप किस लिए हैं, पूछे मुझे पता नहीं है, मुझे 2000 रुपये दिए हैं, 2000 रुपये दे हैं। मैं तो नहीं समझता हूँ, आप गवर्नर पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, फोटो दिखा दें गेलू का, किसके साथ बैठे, कुछ बिंजो के साथ। भाई मेरे पार्टी का वो चीफ मिनिस्टर है, मैं 50 दफ़ा उसके साथ बैठूँगा, आपको क्या काम, आप प्रोटोकॉल अफसर तो नहीं है या भर्ती होना चाहते हैं? सिक्योरिटी अफसर भी वो होना चाहते हैं, सीएम हाउस के साथ क्यों इसके गाड़ियाँ खड़े हैं? आप फिर सिक्योरिटी में लग जाएं, सिक्योरिटी कंट्रोल करें। दूसरी ये बात कि गवर्नर को भी आप मनफिस करते हैं, एक दिन उसके साथ पहले बैठा था, आप सीएम को भी उसमें वो करते हैं, और डिप्टी स्पीकर जो शहरयार नहीं मसू कसूरी उसको भी आप कहते हैं कि ये इसके साथ बैठ रहे। भाई मैं कल भी अपने हमारे शौकत तरीन साहब है, मैं कल गया हूँ उसके साथ 2-1.5 घंटा बैठा हूँ, पुराने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे मैं भी था, उसने बिचारे मुझे इज्जत दी। दूसरे आपके फेड में सर कम्युनिकेशन मुराद के साथ, मैं कल उसके साथ भी बैठा हूँ, ये नहीं कि मैं किसी के साथ बैठ ही नहीं सकता हूँ। आप को इससे क्या गर्ज है मैं किसके साथ बैठूँ किसके साथ उठूँ, आप अपना काम करें। दूसरा आप कहते हैं कि फलानी की क्या हैसियत है, भाई मेरे हमने आपको बहुत शुरू से देखी है, जाली एमपीए साहब, आप जब रिंदली पे चारपाई नहीं है लगे रहते हैं, रात का 3 रुपये देकर वो चारपाई पे सोते हैं, हमें वो वक्त भी मालूम है आपके, आप सोने के चम्मच में शहद नहीं खाते थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम भी अभी मजबूर हो गए कि इनके जाली एफआईआरों के ख़िलाफ़ हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और हमारी गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर अगर हमारी बात नहीं मानते हैं, हम कानूनी तरीके से कहते हैं जो आप एक इंक्वायरी बिठाएं, जीआईटी कराएं, हाई कोर्ट के एक जज से कराएं, आपको सफा सफा जाहिर होगा कि ये आदमी झूठी एफआईआर कराया है, जो आपने जो अवानों से लिखा है उसने बोला है मेरा ताल्लुक इस एफआईआर से नहीं है, इसको यार मान तो उसके बेटे ने कराया। आप उस दिन देख रहे थे जब इन्होंने रोड बंद किया था, डिप्टी कमिश्नर को कह रहे थे कि हम जो आपको बताएंगे आप वही एफआईआर काट करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है अभी हमें मजबूर नहीं किया जाए, आपके साथ आवाम की कोई ताकत नहीं है, आप अपना इत्माद खो चुके हो, पहले भी आपने अपना इत्माद खोया हुआ था, आप जिस तरीके से कि कुछ ठप्पे आपके लिए जो दोस्तों ने लगाए आप उनके मरू मिन्नत हो जाएं, अभी उनके भी खिलाफ़ बात कर रहे हो, मेहरबानी करके
میں سی ایم سے مطالبہ کرتا ہوں، اپنے دوسرے اداروں سے کرتا ہوں، اس کو لگام دے دیں، ورنہ یہ عوام خود اسے لگام دے دیں گے۔